सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग अब तेज होती जा रही है। इसी को लेकर आज पटना में राजपूत कर्णी सेना द्वारा एनसीपी के बिहार प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार दोषियों के बचाने में लगी हुई है। सुशांत सिंह की मौत के 45 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। सुशांत जी के की हत्या की गई, हत्या के बाद जो है सो लगातार हर मंच से, हर जगह से, हर संगठन के द्वारा देश के करोड़ों उसके जो है सो चाहते हैं, चरों फॉलोअर हैं उनके द्वारा, पूरा भारतवर्ष के राजपूत समाज के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है उनकी हत्या पर। और महाराष्ट्र सरकार जो है सो बता रही है कि जांच हो रही है। अरे क्या जांच करेगी महाराष्ट्र समाज, महाराष्ट्र सरकार जो 45 दिन के अंदर में एफआईआर तक लॉन्च नहीं कर पाती है, उस महाराष्ट्र सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी देखिए हमारी मांग क्या कर रहे हैं आप। अभी बिहार सरकार जो है, यहाँ हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई और महाराष्ट्र में जब हमारा पुलिस हमारे जाता है बिहार का, तो उसको जो है सो वहाँ गिरफ्तारी कर ली जाती है, वहाँ पर जो है सो कोई सहयोग नहीं किया जाता है। जबकि कानूनन जो है किसी भी राज्य, किसी भी देश के किसी कोने में कोई पुलिस अफसर जाके कम से कम छान भी सकता है। अगर गिरफ्तारी की बात होगी तो देन दे विल हैव टू टेक द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, बट लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सहयोग के बदला उसने गिरफ्तारी कर लिया। हम बताना चाहते हैं शरद पवार को, हम कहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी को कि महाराष्ट्र जो है इस भारतवर्ष का एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारा है मुंबई, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जागीर नहीं है, उसकी पपौती नहीं है। और अगर यह हरकत रहा बिहारवासियों के साथ, अगर यह हरकत रहा हमारे पुलिसकर्मियों के साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आके और कर्णी सेना पूरे भारतवर्ष में के सारे लोगों को इसको विरोध करेगी। और अगर हम लोगों ने ये कह दिया कि महाराष्ट्र चलो और देश का एक एक कर्णी सैनिक अगर महाराष्ट्र पहुँचेगा तो उन लोगों को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कहना है, माननीय नीतीश कुमार जी से भी कहना है कि नीतीश जी इस राज्य का बेटा गया है, इस देश का बेटा गया है, उसका आप निश्चित रूप से आज आपके यहाँ प्राथमिकी दर्ज हुई है। आज पूरे देश का निगाह, राजपूत समाज का निगाह, उसके करोड़ों फॉलोअर का निगाह आपके ऊपर है। आप आगे आइए और सीबीआई को, आपके पास अथॉरिटी है, सीबीआई को उसकी जांच दीजिए। आप उन लोगों के आप इस कॉकस से मत फंसिए। आप बार बार कहा जाता है कि उनका परिवार लीक कर देगा, ये लीक कर देगा, तो ऐसा किया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आदरणीय मैं मुख्यमंत्री महोदय कि आपके पुलिसकर्मी की आज जो अवहेलना हुई है, जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका भी एक बदला लेने का समय है। उसको भी आपको सोचना चाहिए, उस पुलिस ऑफिसर्स की भी मर्यादा को आपको सोचना चाहिए, अब बिहार का भी मर्यादा को तो सोचना चाहिए। बिहारवासी ऐसे नहीं है कि कोई भी जो है आके उसके अस्मिता के साथ खेल के जाए, ये चीज नहीं है। मैं अपने आदरणीय ऐसा सभी माननीय प्रधानमंत्री से ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ने इसकी आवाज़ उठाया, रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसकी आवाज़ उठाया, तो इस सभी यादव ने आवाज़ उठाया, चिराग पासवान ने किया। आज आपके नीतीश सरकार के भी आप बीजेपी के कई सांसद और मंत्री हैं जो आज सीबीआई की जाँच की मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है। अरे पूरे देश के राष्ट्र का जनता करो लो क्या मांग रही है आपसे। आपसे तो बस एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है कि मेरा बेटा क्या है। जीते जीते तो हम लोग उन लोगों बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज हम लोग उसको सच्चा न्याय देके, निष्पक्ष न्याय देके उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग आज कर सकते हैं।